नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैं दो स्टॉक सिलेक्शन किया हूं और इस दोनों स्टॉक का चार्ट में मल्टीपल बुलिश चार्ट पैटर्न शो कर रहा है, वो भी बड़ा टाइम फ्रेम में। और जिस टाइप का अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में इसमें कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है और किस टाइप का चार्ट पैटर्न शो कर रहा है, डिटेल्स में अभी हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट ऑफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस हफ्ते का जो पहला चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है काइटेक्स्ट गारमेंट्स लिमिटेड। एंड आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है काइटेक्स्ट गारमेंट्स लिमिटेड का। एंड यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। जैसे कि प्राइस का कैरेक्टर है कि हमेशा से बड़ा ब्रेकआउट से पहले एक ट्रेंड लाइन को, एक रेजिस्टेंस लाइन को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस देखिए 2016 के बाद जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है, प्राइस को देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। जिस ट्रेंड लाइन यहाँ पे था मल्टीयर का रेजिस्टेंस, जिस लेवल को स्टॉक का प्राइस देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्वल कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखेंगे तो देखिए एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस वीक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न भी शो कर रहा है। पहला तो हो गया प्राइस एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस कंस्ट्रक्ट किया है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे देखिए ए हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका राइट शोल्डर और ए हो गया उसका हेड। जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है एक बुलिश पैटर्न है और जब भी प्राइस उसका नेक लाइन को ब्रेक कर लेता है उसके बाद एक चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। और देखिए इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन बन रहा है ना ये रेड लाइन, जिसको प्राइस देखिए यहां पे स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। ये तो हो गया एक पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और एक चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे बना है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है कॉप एंड हैंडल पैटर्न। तो कॉप एंड हैंडल पैटर्न का जो नेकलाइन जा रहा था ए रेड लाइन, उसको देखिए प्राइस भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो देखिए पहला तो मॉल्टियर का रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक कर रहा है, उसके साथ यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, उसके साथ प्राइस देखिए कॉप एंड हैंडल पैटर्न को वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। उसके साथ यहाँ पे देखिए प्राइस वहां पे कॉप और जो डाउन ट्रेंड का जो हैंडल क्रिएट किया था, इसको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। और देखिए इस डाउन ट्रेंड चैनल को मार्क कीजिएगा, जो कि नेक्स्ट चार्ट में हमारा केस स्टडी के लिए काम आएगा। ये था कॉप और ये था हैंडल कंस्ट्रक्ट किया था डाउन ट्रेंड चैनल के साथ, इसको जो ब्रेकआउट किया था यहाँ पे पहला एंट्री बन रहा था। एंड अभी देखिए जो कंप्लीट कॉप एंड हैंडल पैटर्न था जो नेकलाइन, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। जो 50% हैंडल है ना, तो देखिए प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और अभी जो कंप्लीट सी एंड पी पैटर्न को प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। और जिस टाइप का वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस टाइप का कैंडल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जो है ना 216 लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। तो 216 लेवल एक्ट एज ए एग्जिट पॉइंट। अगर 216 लेवल को प्राइस ब्रेक करता है, उसी केस में हमको एग्जिट कर जाना सही रहेगा, फिर से वेट करना चाहिए नेक्स्ट सेटअप के लिए, नेक्स्ट हायर हाई फॉर्मेशन का। लेकिन जिस टाइप का वॉल्यूम एक्शन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लुक्स लाइक कि प्राइस 216 लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, जो कि उसका प्रीवियस स्विंग लो है। और इसका टारगेट क्या बन सकता है, जिस टाइप का बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस जाकर डायरेक्ट हिट करेगा 750 लेवल को, जो कि इसका लाइफ हाई है बड़ा टाइम फ्रेम है। मैं अभी बोल रहा हूं कि बड़ा टाइम फ्रेम है, शायद इस लेवल को जाने के लिए 2 इयर्स का टाइम लग सकता है। लेकिन उससे पहले जो शॉर्ट टर्म का टारगेट बनेगा 390, जो कि उसका प्रीवियस हाई है। अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट मेजर करेंगे 390 और लॉन्गर टर्म का टारगेट उसका लाइफ हाई, जो कि अबव 700 है। तो इस दोनों टारगेट के लिए स्टॉक को आपके रडार में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम में मल्टीपल चार्ट पैटर्न को प्राइस ब्रेकआउट किया है विद एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि काइटेक्स वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट, राशियो चार्ट का हाल क्या है, क्या राशियो चार्ट में ब्रेकआउट आ गया है या अभी भी पेंडिंग है, एंड राशियो चार्ट क्या है एंड राशियो चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एंड राशियो चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं मंथली कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ हुआ है, पहला हो गया रेड लाइन, जिस रेड लाइन से प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई आ रहा था, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा था प्राइस। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन जा रहा है ना, ये था मल्टीयर का सपोर्ट, जो कि स्टार्ट हुआ था 2013 से, जिस लेवल से प्राइस मल्टीपल टाइम आउट परफॉर्म कर रहा था। एक्जैक्टली देखिए इस ट्रायंगल के अंदर प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड फाइनली इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर दिया है। ये हो गया ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। एंड इसको ब्रेकआउट करने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग दिया है। तो देखिए क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग मार्वल कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो राशियो चार्ट यहाँ पे क्लियरली सिग्नल दे
दे रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ अगर आप इसका फंडामेंटल देखेंगे तो देखिए इसमें सेल्स ग्रो कर रहा है, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिलेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल मिल रहा है, प्राइस ब्रेकआउट, रेशियो चार्ट ब्रेकआउट, उसके साथ सेल्स में ब्रेकआउट एंड नेट प्रॉफिट में भी ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेटअप शो कर रहा है आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूशन मूव का। बस हमारा काम है कि क्वांटिटी को मैनेज करना। ओके, क्वांटिटी मैनेजमेंट करने के साथ कंसीडर यहाँ पे हो सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एंड जो सेकंड है चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केव सुगर। देखिए यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का कॉप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जैसे कि मैं आपको अभी प्रीवियसली बताया था कि आपको इस केस स्टडी के ऊपर ध्यान देना है जो कि कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट प्राइस किया था। एक बार मैं दिखाता हूँ, तो देखिए एक केस स्टडी, ये हो गया कॉप एंड जो डाउन ट्रेंड हैंडल, इस लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा। जो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन मूव देखने को मिला था। एग्जैक्टली केम शिगर में भी इस टाइप का सेटअप बना है। टाइम फ्रेम ओपन हुआ है वीकली, देखिए प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल एंड प्राइस यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट करने वाला है जो कि कंप्लीट सी एंड बी पैटर्न अभी तक ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जैसे कि अभी हम काइटेक्स गारमेंट में देखे थे कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम है तो कॉप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे? बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम का जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है उसके अंदर और एक छोटा कॉप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए हैंडल का बीच में प्राइस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ये हो गया देखिए उसका कॉप एंड ये हो गया उसका हैंडल, जिसको इस वीक में प्राइस ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो काइटेक्स गारमेंट में जिस टाइप का भी सीएनपी पैटर्न कंस्ट्रक्ट किया था, ब्रेकआउट किया था, डाउन ट्रेंड हैंडल था एंड ये हो गया उसका कॉप एंड डाउन ट्रेंड हैंडल को यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया है। ये हो गया जो बड़ा टाइम फ्रेम का सीएनपी पैटर्न है ना, उसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक सीएनपी पैटर्न बना है जो कि एक सिग्नल दे रहा है कि आने वाले टाइम में जो बड़ा टाइम फ्रेम का सीएनपी पैटर्न बन रहा है जो कि नियरली 6-7 ईयर्स का, उसको ब्रेक कर सकता है। एंड यहाँ पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का सीएन पैटर्न बना है, सीएन का जो हैंडल है ना, वो हैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। तो इसी केस में रिस्क को डिफाइन करने के लिए उसका जो प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पे बन रहा है उसके आसपास हम एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं, जो कि स्विंग लो बन रहा है 29.5। इस लेवल में हम एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो देखिए जो बिगर टाइम फ्रेम का जो सी एंड एच पैटर्न का नेकलाइन बन रहा है वो बन रहा है 40-50। जैसे प्राइस यहाँ पे 40.50 के ऊपर वीकली क्लोजिंग कर देगा, उसके बाद एक बिग टाइम फ्रेम में जो सी एंड एच पैटर्न है वो ब्रेकआउट कर देगा। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ मूव वहां पे फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल जो बिग टाइम फ्रेम का जो हैंडल है उसके अंदर एक सी एंड एच पैटर्न यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके उसको ब्रेकआउट किया है डाउन ट्रेंड का। मल्टीपल टाइम इस टाइप का ही ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे प्री अटेंड बन सकता है। तो इसी केस में 50% क्वांटिटी अभी लेना है एंड 50% क्वांटिटी जब यहाँ पे जो बिग टाइम फ्रेम का सी एंड एच पैटर्न को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर देगा वहां पे कंसिडर करना है। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी केस में क्वांटिटी को 50-50 कर देना है। जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का हैंडल है उसको प्राइस ब्रेक किया है तो यहाँ पे 50% एंड 40.5 के ऊपर जब वीकली क्लोजिंग करेगा वहां पे 50 क्वांटिटी ऐड हो सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं रेशियो चार्ट के ऊपर, केम शुगर वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए रेशियो चार्ट यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है और रेंज का जो लोअर बाउंड्री से देखिए यहाँ पे बाउंस कर रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि प्राइस एक रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज का लोअर बाउंड्री को बाउंस कर रहा है तो रेशियो चार्ट को अभी कंफर्मेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड ऑफ है, ट्रेंड ऑफ होने के बाद रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा अपसाइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे काइटेक्स गारमेंट एंड केम शुगर दोनों को आपके रडार में रखिएगा। केम शुगर में 50-50 क्वांटिटी कर सकते हैं एंड दोनों चार्ट सेटअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। आपका एनालिसिस को वार्ड कीजिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।